अब साथियों हम चाहेंगे कि इस हमारे समिति के संरक्षक और स्वर्गीय राजबली यादव के साथ काफी दिनों तक जेल में रहकर जेल से बाहर संघर्ष करने वाले फैजाबाद के सांसद हम सब के नेता आदरणीय मित्र सेन यादव जी आवे और अपने विचार आप लोगों के सामने रखे। आदरणीय मित्र सेन यादव जी, काफी अरसे से समर्पित होकर काम करने वाले उपस्थित हुए हैं, उनको सबको हम धन्यवाद देते हैं। भारी संख्या में आपने इसमें शिरकत किया, इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, आपको शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन जो आपके यहाँ आने का मकसद है और जिस गरीब परिवार से उन्होंने आज के 100 वर्ष पहले जन्म लिया, जिस माता की गोद से और जिस बाप के वो सपूत थे, जब देश में आजादी की तहरीक चल रही थी, कुछ लोगों ने जाकर के उनके कहा कि आज आजादी की लड़ाई में बाबू रामहर्ष जी आपको कुछ मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनके पिता जो रामहर्ष यादव थे वो समाज के प्रतिष्ठित आदमी थे, जागरूक व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई और संपत्ति नहीं है, हमको जानते हो यादव बिरादरी के हैं और अपनी मेहनत और पसीने के बल पर अपनी जिंदगी और अपने परिवार गौरव दिखाया हो हमारे समाज के किसी परिवार ने, अगर अपने सपूत को भारत माता की सेवा में समर्पित किया है तो उसका इतिहास फैजाबाद के इतिहास में सबसे ऊंचा इतिहास है। अगर किसी ने इसको छिपाने और दबाने का काम किया है तो सच्चे माने में वो आजादी को दबाने का काम कर रहे हैं। इससे गौरवपूर्ण इतिहास किसी का हो नहीं सकता। आप जानते हो राजेपुर सुल्तान में सुल्तानपुर के थाने पर अंग्रेजों का झंडा लगा हुआ, वसुधा सिंह उनके साथ जाने के लिए पहले तैयार नहीं थे, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप में हिम्मत है झंडे को उतारने तो उतारिए, मैं आपके साथ चलता हूं। जैसे ही वसुधा सिंह का साथ पाए तैसे ही थाने पर चढ़ करके झंडे को उतार के फेंका, उसको मार करके चलते बने और उस लड़ाई में उनको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए वारंट हुए और कहीं उनको गिरफ्तारी नहीं हो गई, और जो दरोगा उनको गिरफ्तार करने गया उसको उन्होंने कमसा नदी में डुबो के फेंक दिया। उस जमाने में जब अंग्रेजों की जलजलाती हुकूमत थी, जब उनकी संगीने चमचमा रहे थे, लोगों को चूं करने की हिम्मत नहीं होती थी, एक कत्ल अगर गांव में हो जाता था तो सारा गांव खून किया जाता था। उस जमाने में राजबली यादव ने यह लड़ाई लड़ी थी। ऐसे वीर सपूत के बारे में जिनके साथ हम लोगों ने जेलों में रह करके देखा, उनको अपने परिवार की चिंता नहीं, उनको अपने बेटों की चिंता नहीं, उनको अपनी जिंदगी की चिंता नहीं, उनको गरीब आदमी की जिंदगी में जो फर्क है गरीबी अमीरी का, जमीन आसमान का, कैसे मिटेगा। हमारी माताओं के बहनों का जो दर्द है, जिनको हमेशा सिखा दिया गया है सूप बजा करके दरिद्र खेद लेने का, ये जो नाटक सिखाया गया है इसको इनके दिमाग से कैसे उतारेंगे, इसके लिए उन्होंने धरती पर जाकर के घर के ऊंचे में जो आज बुराई समाई हुई है उसको उन्होंने गीतों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, हमारी खोपड़ी से, हमारे समाज के जहन से निकालने का काम किया। जितनी भी बुराइयां हमारी हैं समाज में जिसकी वजह से हम गरीबी की गुर्बती के शिकार हैं, उस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए जितना उन्होंने काम किया उसकी प्रशंसा किए बगैर कोई रह नहीं सकता। साथियों, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लड़ाई में उनका इतिहास छिपाने की कोशिश की गई है, उनके इतिहास को दबाने की कोशिश की गई है। राजहर जी ठीक कह रहे हैं कि फैजाबाद में जिन लोगों ने नमक चुराया था और नमक की चोरी में जेल गए थे, जिन्होंने साइकिल चुराई थी, चुपके चुपके मैं कई लोगों को जानता हूं, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सर्टिफिकेट बनवाया और उन्होंने पेंशन ली और एमएलए हो गए, कई लोगों को मैं जानता हूं। ऐसे लोगों के स्टैचू लगा दिए गए, ऐसे लोगों की स्थापनाएं करा दी गई संस्थाओं के नाम से, लेकिन राजबली जैसे योद्धा के लिए जो आदमी गरजता था तो दुश्मन की छाती फट जाती थी,
जिस आदमी में नाम सुनकर के पुरुष और दूसरे लोग को पसीना आता था, उस आदमी का आज फैजाबाद में कितना अपमान हो रहा है उस व्यक्ति का, ये हमारे लिए सबसे चिंता की बात है। और यही नहीं, आपकी लड़ाई जो लड़े हैं वो लड़ाई किधर जा रही है? जब वो जेल में थे गीत गाते थे, जननी तेरे बंधन छुड़ा देवे देशवा आजाद हम करा देवे, ये गीत गाया करते थे। जब भी वो मनमनाते थे, जब भी वो गुनगुनाते थे, जननी तेरे बंधन छुड़ाए देवे देशवा हम आजाद कराए देवे, माता तेरे बंधन हम छुड़ाए दे, ये गीत गाते थे। कभी कभी वो गीत गाते थे जब गांव के गरीब लोग मिलने जाते थे तो उनके सामने क्या कहते थे, जे तुहरे बच्चन से गोरु चरवाइश थे, तुहरे मन से दूसरे हर जोतवाइश, जे तुझसे पिसाइश हो किसनवा, उन्हीं के राज है मिटा। जमींदारी जमाने में क्या होता था, गरीब आदमी के बच्चे से जमींदार लोग गोरु चरवाते थे और उसके बाप से हर जोतवाते थे और उसकी बीवी से किसान पिसवाते थे, तो बड़े जोर से वो गाते थे, जे तुहरे बच्चन से गोरु चरवाइश, जे तुहरे मर्दन से हर जोतवाई, जित होते पिसाई पिसनवा, एक एक गीत ऐसा गाते थे जो छाती को छू जाता था और उसी दिन आदमी झंडा उठा लेता था, उसी दिन लड़ाई के मैदान में चला जाता। एक राजनीतिक चेतना जगाने की प्रवृत्ति और जोधापन जिस व्यक्ति में था, उसका याद फैजाबाद में नाम न हो, स्टैचू न हो, कोई संस्था न हो, किस लिए नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि ये जिस समाज के आदमी है कहीं इनका राजनीतिक वर्चस्व न बढ़े, कहीं राजनीतिक जागृति इनमें पैदा हो जाए, या तो समाज के लोग अपने नेता को पहचान करके उसकी लड़ाई की जो जो थी धार थी उसके आधार पर ये लोग राजनीति में आगे ना जाएं। यही नहीं, जो हमारे चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे स्वर्गीय काशीराम जी हो, चाहे साहू जी हो, जो लोग हमारे पूर्वज हैं, जिन लोगों ने समाज की लड़ाई को अपनाया, उनको हमेशा दबाने का, उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश की। काशीराम जी ने, बाबू रामकरण जी ने एक दिन अपने उसमें उद्बोधन में कहा कि स्वर्गीय काशीराम जी चार बातें कह के गए और उस बात को तब से मैं महसूस रहा और मैं उस बात का एक्सप्लेनेशन जनता को किस तरीके से उसके दिमाग और दिमाग में डालू। उन्होंने कहा इस देश में 90% लोग जो हैं वो यहाँ की किसी भी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, ना वो जमीन की व्यवस्था से संतुष्ट है, ना अर्थव्यवस्था से संतुष्ट है, ना एडमिनिस्ट्रेशन से संतुष्ट है और ना यहाँ सामाजिक न्याय से संतुष्ट है। इस देश के अंदर 80% लोगों के साथ सामाजिक अन्याय किया गया, दौलत में भी भेदभाव किया गया, कुछ लोगों की थाली में 9 बरा और किसी की थाली में 1 कौन 5। कोई लोग हैं जिनके हजारों भी घर के मालिक हैं और किसी के पास उसके बच्चे की लाश गाड़ने भर के लिए चप्पा भर जमीन इस देश में नहीं। इस देश में गरीबी अमीरी का फर्क इतना ऊंचा मान हुआ है। एक हमारी माता जो जो धरती को उंगलियों से बोल देती, धान रोपाई का करने का काम गरीब गाँव के किसान करते, लाखों मन संपत्ति जो धरती पर गरीबों की पसीने से पैदा होती है, वो जमीन के मालिक नहीं है। जमीन के मालिक कौन है? जो जमीन को हाथ से छूते नहीं, जिनको पसीना नहीं होता, जिनको सर्दी से मतलब नहीं, जिनको गर्मी से मतलब नहीं। चलो जाइए उत्तर भारत के इसी उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे, नेपाल के किनारे पर लाखों बीघे के जमींदार कौन लोग हैं जो दिल्ली और बंबई की कुर्सियों पर बैठे हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो और चाहे वो चीफ मिनिस्टर। देश की आजादी के लिए लड़ा गया यार, देश गुलामी की तरफ जा रहा, इतने लोग बैठे हो, तुमसे हम पूछते हैं लखनऊ से बनने वाली सड़क जो गोरखपुर को जा रही है कौन बना रहा, पूरे हमारे गांव में बिजली का विद्युतीकरण कौन कर रहा, कहीं नागार्जुन कंपनी कर रही है तो कहीं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रहा। ये हमारे बेटों को नौकरी नहीं दे रहे, न हमारे लड़के इंजीनियर होंगे, न ओवरसीयर होंगे, न पीडब्ल्यूडी में भर्ती होगी, न कोई कर्मचारी बनेगा, न कोई मेट बनेगा, सारा काम कंपनी हमारे बेटों से कुत्ते की तरह चौक से खरीद के ले जाके कराएगा। देश आज गुलामी की तरफ नहीं जा रहा, या तो बात का नारा देते हो
किसी जात का नारा देते हो। जितने ठाकुर पंडित, जितने जमींदार, जितने तालकेदार गांव में हो, किसी की औकात है? फैजाबाद से सुल्तानपुर की या फैजाबाद से इलाहाबाद की रेलवे लाइन खरीदने की निंदा है? ताकत जा रही है प्राइवेटाइजेशन में, निजीकरण में जा रही है। फैजाबाद से इलाहाबाद की रोड, लखनऊ से गोरखपुर की रोड, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है। और अगर तुम्हारे पास रुपया हो, चार अरब में खरीदो कोई सड़क है। जब किसी जमाने में हम लोग कहा करते थे, गरीबों को मत सताओ, 100 बीघे 50 बीघे के जमींदार बनकर के गरीबों को मत तंग करो, तुम्हारे भी चार बच्चे होंगे 25 बीघे हो जाएगी, उनके भी चार बच्चे होंगे 2.5 बीघे हो जाएगी, तुम्हें भी मजदूर बनना। जिन लोगों को कहा करता था उनसे आज पूछिए कि आज की इस आजादी में यह देश की सरकार प्राइवेटाइजेशन को, जिसमें हमारी रोज की रोजी रोटी जिंदगी छिपी हुई है, उसको रोकने में कोई कदम उठा रहे हैं, बल्कि उसको और बढ़ा दे रहे हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण, जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चली, केंद्र से हम लोगों ने किसी तरीके से सोनिया गांधी से कह करके हम लोगों ने कराया, अपने जिले को ही शामिल कराया, बल्कि अम्बेडकर नगर भी शामिल हुआ, और उस योजना को इन्होंने नागार्जुन कंपनी को दिया। कई करोड़ रुपए की योजना में कमीशन लेकर के बिजली योजना को कहां दे दिया? नागार्जुन कंपनी को दे दिया। कितना कमीशन खाया जा रहा है, खुला डकैती तुम्हारे वहां नेता कर रहा है। चुनौती है इसमें, जो सुन रहे हैं और पुलिस के लोग जो सुन रहे हैं और जो एलआई के लोग हो, नोट कर ले और कप्तान को और उनके डीएम को बता दे और ये रिपोर्ट भेज दे उनको, और उनको जरूरत हो तो मुझे गिरफ्तार करके लिए भेजें। मेरा बताओ उनको कि खुली डकैती की जा रही, पूरे बजट की जिस तरीके से लूट हो रही, ये राजफलधारी जिले जिले में, अगर नाम की नौ नेपाल से महाराजगंज से और लेकर के वहां बना वो क्या नाम इलाहाबाद तक, तो आपके छक्के छूट जाएंगे। और ये लोग बैठ करके जिले में पीडब्ल्यूडी का, एजुकेशन का, इरिगेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का सारा बजट को ठेके पर लेकर के अपने कटौती कर रहे हैं। तो आज राजबली का सपना पूरा हो रहा है, राजबली के सपने पर आप गर्द गुबार फेंक रहे हो, और तुम अपने बच्चों को, जिनको वीरों को पैदा किया, संतानों को पैदा किया, आज वो जेल जाने से घबराते, आज वो लड़ने से घबराते, पुलिस के पीछे दम घबराते, अत्याचार और न्याय से हाथ जोड़ा जाएगा। हमने सब छिपाना नहीं, सर कटाना सीखा है, और ये लड़ाई हमें आपको लड़नी है। साथियों, आज जिस वीर की हम समय मना रहे हैं, उस बहादुर की कहानी को हमें हमेशा के लिए अपने संतानों को जगाने के लिए उसको हमको अस्थायी रूप देना पड़ेगा। उनका कहीं ना कहीं हमको पार्क बनाना चाहिए, कोई न कोई उनके नाम का कॉलेज बनाना चाहिए, कोई न कोई हमको उनके नाम का चौराहा बनाना चाहिए, कोई न कोई जगह राजबली को हमको इस जनपद में और पूर्वांचल के शहर को जरूर काम करना चाहिए। फैजाबाद के समाज, सभी समाज के लोगों को, देशभक्तों का काम है, और खास करके यादव समाज के लोगों से कह देता हूँ, अगर अपने बुजुर्गों का आदर करना जानते हो, अपनी माताओं को पहचानना जानते हो, अपने बाप दादों की इज्जत करना जानते हो, तो राजबली की भी इज्जत को आसमान में पहुंचाने का काम तुम्हारे जिम्मे होगा। और ये तभी हो सकता है जब आज के हालात में जो लोग इस शख्सियत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, शख्सियत की हैसियत को, इस शख्सियत की कुर्बानी, इस शख्सियत के त्याग को, और इस शख्सियत की याद के समाज की सेवा को जो लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सबक साथियों ने बता दिया। आने वाले दिनों में लड़ाई के मैदान में भरपूर तरीके से दे दीजिए, हमें इसकी चिंता नहीं। इसलिए साथियों, एक कसौटी आएगी जब हमें राजबली यादव जैसे वीर की गाथा हमें अपने बच्चों को पढ़ाना था। अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने घर में बहादुर राजबली की कहानी पैदाइशी से लेकर के मौत तक आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। मैं उनके साथ काफी अरसे तक जेल में रहा, और जेल में उन्होंने क्या सिखाया, जेल में लोगों को इकट्ठा करके वो मीटिंग कराते, आंदोलन की लड़ाई बताते, और यही कहा कभी भी समाज की सेवा में निकले हो तो कहा करते थे, तुम राम की पूजा करते हो, कृष्ण की पूजा करते हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर की पूजा करते हो, सुभाष की पूजा करते हो, ये भी तो किसी माँ के सपूत है, और तुम भी किसी माँ के सपूत है।
तुम क्यों नहीं इस तरीके के बनते कि तुम्हारी माँ का भी शान ऊंचा और अपनी माँ की पूजा नहीं करते हो, माटी की दुर्गा की पूजा करते हो, अपनी माओ को घर में लाठी जूतों से मारते हो और मिट्टी की दुर्गा को बाहर पूजा करते हो। पहले अपनी माँ की पूरी पूजा करो, इसके बाद दूसरी माँ दुर्गा का पूजा। उन्होंने अपनी माँ को पहचानने का जो पाठ पढ़ाया और फिर कार्यकर्ताओं को कहा, मालूम कितने घरों से लोग आते हैं, अलग अलग माँ के और बाप के सपूत हैं, उनकी अलग अलग आदत हो सकती है। जब राजनीति में आओ तो जो नया घर बना रहे हो इसमें सबको परिवार की तरह देख करके सबको एक सांचे में ढालने का काम किसी नेता का हुआ करता है, किसी राजनीतिक पार्टी का हुआ करता है। और नेता को कभी घर नहीं देखना चाहिए, हमेशा दफ्तर बना करके जनता का काम करना चाहिए। ये पाठ हम लोगों ने तभी पढ़ाया, राज बहादुर ने भी पढ़ाया और आज तक हम लोग कभी घर नहीं जाते, महीने में कई बार शायद घर जाते हैं, बाकी दफ्तर खोल करके हम लोग रात दिन जनता की सेवा करते हैं। ये पाठ हमको राजभर ने भी पढ़ाया कि अगर अपनी जनता की खिदमत करना चाहते हो, अपने समाज की रक्षा करना चाहते हो, तो पता नहीं कब उसके ऊपर कौन सी गर्दिश होती है। आप 24 घंटा अपने दफ्तर पर बैठे रहो, 24 घंटा अपने दफ्तर से काम करो, 24 घंटा अपने विभागों को तुम ही बांटो। कौन गरीबों का काम करेगा, कौन किसानों का काम करेगा, कौन नौजवानों का काम करेगा, कौन छात्रों का काम करेगा। अलग अलग यूनिटें कायम करके, अलग अलग दफ्तर बना करके, अलग अलग जिम्मेदारियां दे करके कौन पुलिस से लड़ेगा। पुलिस का करेक्टर आपको भी जांच करना था। पुलिस सुरक्षा सीट हमारी बनाती और पुलिस सुबह से उठ करके शाम तक पैसा लपेटती। वो कहा करते थे कि जैसे सुबह सवेरे उठ करके मैला खाता है, वैसे प्रशासन की मशीनरी सवेरे से उठ करके पैसा बटोरती। ऐसी बातें कहा करते, वो जज्बा उनके अंदर था। तो कभी भी जब कभी उनको मालूम हो जाए कि यहां पुलिस लाठी चार्ज करेगी, लड़ाई होगी, मारपीट होगी, किसी भी बात का खतरा वो महसूस कर ले कि यहां गरीब मारा जाएगा। आज के नेता क्या है, सुन लेते हैं गरीब की बात, वहां जाने पे ऐसा होगा तो जाते नहीं, भाग लेते हैं, केवल फर्ज अदायगी करने जाते हैं। जब उसका कत्ल हो जाता है तो उसको वो मातमपोशी करने जाते हैं, जानता है इसका कतल होने वाला, इसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत पुलिस से लड़ने की नहीं होती। मैं जानता हूं हमारे फैजाबाद में कितने प्रधानों का कत्ल होने वाला है और कितने का हुआ है, मैं जानता हूं। विधवाओं को पेंशन बना बांट रहे हो, किसने विधवा बनाई है, पूछिए मुलायम सिंह से कि फैजाबाद में कितने प्रधान मारे गए, कितने यादव मारे गए, कितने मुसलमान मारे गए, इलाहाबाद में कितने मारे गए, पूरे उत्तर प्रदेश को चुनौती हमारी। अगर उनकी हिम्मत हो तो हिसाब उनके पास है, वो हमको छाप करके दे दे कि हमारे राज्य में, हमारी सरकार में किन किन जिलों में कितने कितने यादव, कितने मुसलमान, कितने लोग मारे गए, प्रधान मारे गए, छाप के दे दे। अब दिखा दूं कितनी फिगर में, जितने लोग कभी नहीं मारे गए उससे ज्यादा लोग इलाहाबाद में, मैं जानता हूं 27 लोग मारे गए, इलाहाबाद के आजमगढ़ में 90 लोग मारे गए। उनकी हिम्मत तो छापे, मैं तो चिल्ला के कह रहा हूं, एक चुनौती एक सवाल का जवाब होते थे कि उन्होंने अपने जो विभाग दिया इसमें कितनी लूट हुई, और दूसरा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब से तुम्हारी सरकार तब से कितनी विधवाएं तुमने मरवाई, कितने प्रधानों को मरवाया, अब कौन लोग मारे हैं, वो सब छिपा नहीं है, खुला हुआ आपके यहां भी खुला हुआ, चाहे वो कानून में मारा हुआ होता है, कहीं और हुआ, और दो चार दिन में और दो एक प्रधान का होने वाला। मैंने एसएसपी को बता दिया, मैंने डीएम को भी बता दिया, उन्होंने पुलिस लगाई है, लेकिन मैं जानता हूं बचा नहीं पाएंगे जब तक वो बहादुर खुद नहीं बचने की कोशिश करेगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि आप सरकार के भरोसे मत रहिए, आपकी सुरक्षा सरकार नहीं करेगी, आपकी सुरक्षा राजवली का हथियार करेगा, संगठित होकर के इस अत्याचार के खिलाफ लड़ने का काम। इसलिए साथियों आज यहां आने का जो मकसद है वो ये मकसद है, आप इस दुनिया से जाओगे सभी जाएंगे, राजबली यादव जी भी मौत के हाथ बहुत लंबे होते हैं चले, और बड़े बड़े प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े नेता लोग चले, लेकिन पूजा किसकी हो रही, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, अमाम के लिए अपनी कुर्बानी दी। चाहे जितनी संपत्ति बना लो, चाहे जितनी कोठी ऊंची कर लो, चाहे जितना खजाना जमा कर लो, अगर आपने समाज की सेवा की
तो इससे ऊंचा स्थान आपको दूसरा कोई नहीं दे सकता। मैं चाहे जितना कमा के घर भर लेता, मुझे कोई पूछता नहीं। इसलिए गरीबों के बच्चों, किसानों की संतानों, सपूतों, अगर तुम चाहते हो अपने माँ बाप का वो अदा करना, दूध का दूध अदा करना चाहते हो, तो इस गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई के मैदान में आओ और राजबली जी के संदेश को लेकर के आगे बढ़ो। यही आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। और इस लड़ाई में, इस मौके पर जो स्वर्गीय काशीराम जी का संदेश है, उस संदेश से मैं कहना चाहता हूं कि फिर शांति से क्यों हो रहा है। अगर स्वर्गीय काशीराम जी ने कहा कि 90% लोग, यहां की अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, प्रशासन और शैक्षणिक सामाजिक व्यवस्था के विरोधी, तो फिर इस देश में क्रांति होनी चाहिए, इस देश में क्रांति होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के सामाजिक क्रांति के नेता, चाहे स्वर्गीय काशीराम जी हो, चाहे हम डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे साहू जी, ये लोग क्रांति से शांति नहीं, इन्होंने विश्वास किया कि शांति से क्रांति होगी। तो आज ही शांति से देश में क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। वो क्रांति कैसी होगी, ये विषमता की खाई को काट करके समता मूलक समाज बनाने का रास्ता बने। महिलाएं, आप से ऐसे जानते हो, महिलाएं वो मतलब लड़ाकू नहीं होती है, वो बड़ी सहनशील और बहुत ही उदार होती है। गुरुबजों ने और हमारे समाज के जो वो है प्रोधा लोग है, उन लोगों ने क्रांति का कहीं पाठ नहीं पढ़ा। लेकिन जो बात स्वर्गीय काशीराम जी ने कहा, उसको देख करके हम लोगों से तो देखा नहीं जाता कि अगर जमीन के मामले में लड़ा, पैसे के मामले में भी इतना फर्क है, फिर इसके बाद समाज में कोई आदमी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, कोई पूजा जाता है, फिर प्रशासन में जिसकी ताकत है उसको डीएम खोपड़ी पर बैठाता है, जिसकी ताकत नहीं उसको रोज 151 बंद करता है। हर तरीके से जिस देश में चारों खंभों से जिस देश में घर गिरने वाला है, उस घर को बनाने के लिए हमको क्रांति की जरूरत है। तो आज परिवर्तन जो है आसानी से नहीं आएगा। इस परिवर्तन के लिए हमको जो हमारे पूर्वज हैं उनकी जो गाथाएं हैं, उनका जो संदेश, जब तक हम उसको अमल में नहीं लाएंगे तब तक कोई काम होगा नहीं। हम देखते हैं बहुत से लोग जब अर्थी उठाते हैं, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य है, और जब घाट पर जाते हैं तो जल्दी से लौट के आते हैं, फिर डाणी मारते हैं, फिर जेब काटते हैं। इस राम नाम के सत्य से क्या फायदा? तो आप रोज रामायण पढ़ो, रोज गीता पढ़ो, रामायण वाले रोज रामलीला मनाते हैं, तुम्हारी रामलीला से क्या मतलब? एक कागज का रावण फूंकते हो, एक झूठे का हनुमान बनाते हो। अरे न मालूम कितने जिन्ना रावण ने पैदा कर दिया है, इनमें से किसी रावण को मारो तो मालूम कि रामलीला करेंगे। एक भी रामलीला में आपने किसी गुंडे बदमाश को नहीं मारा। किसको मारा? किसी रावण को नहीं मारा, उसको मारा है जो कभी मारा गया और कागज का रावण बना के उसको फूंकते हो। धन्य हो गए भगवान, सूप बजा के दरिद्र खदेड़ोगे, कागज का रावण मारोगे, है नहीं तो तब तुम्हारा राज नहीं बनेगा गरीबों। इसलिए आपको अपने ज्ञान, अपने उसको रास्ते को बदलना पड़ेगा। और इसी चीज को स्वर्गीय राजबली जी पागल नहीं थे, कोई कुत्ता नहीं करते था, बहुत बहादुर आदमी थे, लेकिन अपनी समाज के लिए उतना दर्द था कि इसके लिए उन्होंने नाचा भी, गाया भी, बजाया भी, लाठी भी सहा, गोली भी सही, जेल भी गए। उनके हाथ में हथकड़ी नहीं आती थी, सरकार की हथकड़ी टूट जाती थी, पैर में बेड़ी नहीं आती थी, सारे डंडे से बांधा करते थे। इतनी मजबूत कलाई होती थी उनकी, जिसकी कोई मिसाल नहीं। उनके चेहरे से ही आप समझ सकते हो कि अभी फैजाबाद में ऐसे शक्ल के कोई नौजवान नहीं होगा। चेहरे से ही आप समझ लीजिए कि दो चार ठो दरोगा बगल हो जाते थे। तो आप भी अगर चेहरा नहीं बन सकता है तो दिल तो बनाने की कोशिश करो, अपने कर्म तो बनाने की कोशिश करो कि तुम्हारे नाम से कुछ लोग दहले, तो अत्याचारी का दिल तो दहले। अगर तुम सही में राम की पूजा करते हो, अगर तुम सही में कृष्ण की पूजा करते हो, तो अगर नालायक नहीं हो और सही में राम और कृष्ण को मानते हो, तो तुम्हारे नाम से कम गुंडे, बदमाश, शरारती तत्व जो अपराधी है वो डरे। अगर नहीं डरते तो तुम झूठी राम की पूजा करते हो, बेमतलब की पूजा करते, केवल अपना स्वार्थ करने के लिए करते। उन लोगों ने क्या किया था? अत्याचारियों से लड़ा था, चाहे कृष्ण की कहानी पढ़ो, चाहे राम,
और चाहे किसी और का पड़, वो काम अगर नहीं करते हो तो आप काम नहीं कर रहे। इसलिए आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। देखिए खतरा बना हुआ है कि आपकी जो खेती है, ये खेती करने वाले मैंने जमीन गांव के 100 बीघा के काश्तकारों को क्यों कहा, इसलिए कहा कि स्टेट फार्मिंग होने वाली, सबकी खेती गांव भर की 4-6 गांव की खेती में सबका नाम लिख करके किसका कितना खेत है उसका उतना शेयर मान लिया जाएगा और खेती सरकार करवाएगी, सरकार की कंपनी कराएगी, आपको उसमें मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा, चाहे ठाकुर हो चाहे पंडित चाहे अहिर हो चाहे कर्मी, सबको मजदूर रहना और जो पैदावार हो हमारे वही हिसाब से तुम्हें मिल जाएगा, बार हिस्सा तुमका मिल जाए चाहे तुम्हें खाए भरे को हुए चाहे ना। ये स्टेट फार्मिंग की पॉलिसी चल रही जो हमने पार्लियामेंट में बैठ करके सुना है, जो पार्लियामेंट का ध्वनि है कि आज खेती को स्टेट फार्मिंग करने की बात है, सड़कों का और सभी चीजों का उत्पादन के सभी स्रोतों का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लोहे का कारखाना हो चाहे कपड़े का कारखाना हो, सब पूंजीपतियों के हाथ में जाने वाला है। इसलिए आप फैजाबाद की चौक में जैसे आदमी बिकता है वैसे आपके बच्चे आप चौक में बिकेंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको हाथ में रोटी नहीं मिलेगी, आने वाला दिन आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है। इसलिए अगर अपने बाप के सपूत हो और यहाँ बैठे हो और राजबली जैसे बहादुर के इतिहास पढ़ने आए हो और उन्होंने जो जगाने का काम किया उसको सुनने आए हो तो लौट के जाना और ये संकल्प लेना कि हमें इस देश की आजादी को बचाना है और प्राइवेटाइजेशन से अपनी संपत्ति को रोकना है और ऐसी सरकारों की कमर खोद देनी है जो हमारे संतानों की कमर खोदने आ रहा है। तो आज जो लोग आपके बच्चों की कमर खोदने का राज बनाने जा रहे हैं, ऐसे राज को हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारी कोई दुश्मनी, हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके बच्चे जो पढ़ लिख करके निकल रहे हैं ये चौराहे पर चाकू लेकर के गठरी छीनने वाला काम करने के अलावा इनके पास अब दूसरी नौकरी नहीं है, और अगर इससे इनको बचाना चाहते हो तो इस व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष करके आप इस लड़ाई को जीतने की कोशिश करो। आज स्वर्गीय राजमणि जी के ये 100 वर्ष की तिथि पर, जन्म तिथि पर जो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। अपने घर हम बहुत सी चर्चाएं कर लेते हैं, बहुत से लोग गीत गाया करते हैं, बहुत से लोग नाटक किया करते हैं, बहुत से लोग बेईमानी और लफाजी किया करते हैं, लेकिन आज जैसा स्वर्णिम दिन जिसकी सोच साथी राज बहादुर जी ने किया और काफी दिनों से इनके दिमाग में ये बात, मुझसे भी ये कई बार बहस मुबहसा करते रहते हैं तो उनके नाम से कुछ बनाना चाहिए, लेकिन सरकार जिस प्रकार की है आप जानते हो, आपने सुना ही कि हम लोग उनका आज स्वर्गीय राजमणि के कृतित्व का दिन मना रहा, उनकी बहादुरी को याद कर रहे, उनकी जिंदगी की गाथा को पढ़ करके अपने को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में हमारे प्रदेश के नेताओं की समझ। तो इसलिए साथियों हमें बहुत कुछ आज के समय पर स्वर्गीय राजमणि यादव के संदेश को लेकर के जाने का मतलब यह होगा कि आप अपने समाज में अपने घर में अपने उसमें और तमाम समाज सेवी लोगों को उनके त्याग और तपस्या और बलिदान के इतिहास को पढ़ करके फैजाबाद में और पूरे प्रदेश में हमको ऐसे राज को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए जो ऐसे कृतित्व को मिटाने का काम कर रहे हैं और उनको समाज से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको फिर हम और स्वर्गीय और आइंदा फिर कभी कोई आयोजन इसी प्रकार का हम लोग करें तो पूरी ताकत से आने के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं और आज के लिए हम आपको शुक्रिया और हम आपको धन्यवाद अदा करते हुए आपको आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।